तो देखिए मेरी लाडली सरदारी का आशीर्वाद हरिराम गुजर लेते हुए एक मिनट आपसे आपके चरणों में प्रणाम करें। एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी सब्जेक्ट का गाने वाला हो, चाहे ढोला वारो हो, चाहे रांझा वारो हो, चाहे भजन जिकड़ी वारे हो, चाहे नौटंकी वारो हो, चाहे भागवत कथा वाला हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट का वक्ता हो, ऐसा लिखा है, गाने वाला चाहे आकाश के तारे जमीन पे उतार दे, पर वो अच्छा नहीं लगता गायक जिसको पब्लिक प्यार ना दे। और क्या, और प्यार इंसान को भी इंसान बना देता है, प्यार हैवान को भी इंसान बना देता है। प्यार के अंदर तो वो ताकत है मेरी सरदारी जो दुश्मन को भी मेहमान बना देता है, और प्यार अगर सच्चा हो तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। दबा दे जो जहाजों ने उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर लीजिए उसे इंसान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। और जो आदमी जिंदगी में एक भी गलती ना करे उसे महान कहते हैं, गलती करके जीवन सुधर जाए समझ जाए उसे सुज्ञान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और सब गलती को माफ कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। मेरी लाडली सरदारी नल पुराण में 1444 संस्कृत के श्लोक लिखे, पंडित मटरूमल जी ने लिखा, 52 भाग लिखे, सूदी भाषा में कहूं तो 52 ढोला लिख दिए नल पुराण में, 52 कथा लिख दी। मेरे देश में बड़े बड़े गाने वाले वीर पैदा भए, पर 52 ढोला आज तक किसी ने नहीं गाए, मैंने भी नहीं गाए। मेरे गुरु नत्थी बाबा परवंदरा वाले 7 ढोला अपनी जिंदगी में गाए, अपना नाम कर गए। मुंशी मटोल जी धमारी वाले ने 16 ढोला काव्य कलम से लिखे, अपना नाम कर गए। पंडित धन्ना होती सेनवे वाले ने 22 ढोला अपनी वाणी से गाए, 52 में से नाम कर गए। भगवान सिंह जाट गिंडो वाले ने 27 ढोला अपनी मधुर वाणी से गाए, जिन्होंने मुझे गोदी में बिठा के सिखाया, आज वो तो अच्छी जगह पे हैं। पर हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं अपने गुरु भगवान सिंह जाट का स्मरण किया करते हैं, और उन गुरुओं की कृपा से और मेरी लाडली सरदारी की आशीर्वाद से आपके भाई ने 52 में से 48 ढोला दिल्ली सेंसर रिकॉर्ड से पास करा। मैं यह बात काई को कह रहा हूं, न्यू कह रहा हूं कि जब गावे वारे को और सुनवे वारे को मन एक हो जाए ना तो स्वाद आ जाए करे, और का। और जब मन एक ना हो ना तो फिर बालक बच्चे टेढ़े मेढ़े ही हुए। तो मैं सरदारी से भगवान की कृपा से निवेदन करूं त्यौहार और हमारो एक मन बन जाए, और मन जब बनेगो कि जाए तुम कहोगे वाय में गाऊंगो, जब बनेगो। तो सिरदारी कौन सा ढोला सुनना चाहते हैं? मंजा रानी को देश निकारो, राजा नल को जन्म, गजमोतनी को ब्याह, फूल सिंह पंजाबी कंबलगढ़ की लड़ाई, किशन लाल को ब्याह, चंदन वन की लड़ाई और कंचनगढ़ की लड़ाई, चुंगल चिरैया ढोल कुमार का ब्याह, मगजी ताल और भमर ताल, कोई भी बता दो काय से गाय दो। गाने ये है भमर ताल, वो तो पता है, वो कुछ पता है, जाटन के गांव में लड़ाई कोई काम हुए वो और का। देखो ऐसा हुआ, एक मिनट लगो, इस देश की धरती पे हमारी अखंड राजधानी रही है तो वो जाट राजधानी रही है जिसको लोहागढ़ कहा जाता है। महाराज ये बड़े बूढ़े बैठे, बैठो दूंगा टेम्बो पतो, बड़े बूढ़े बैठे ये सब जाने, नए बालक तो ना जाने ना सुने। बच्चू सिंह महाराज को
भरतपुर को केशव नाम को बढ़िया बड़ो जिगरी दोस्तों, मोती महल में जाठनी के ठुकरानी के बालक हैरो, चार घंटा है के दर्द होते होते बालक ही ना हुई, बांदी आई बांदी। हाँ महाराज बच्चू सिंह से कही महाराज साहब कोई वैद्य डॉक्टर को उपाय करो ने, महारानी के बालक हैरो पर हो ही ना रहो, चार घंटा है गए। महाराज साहब ने कही अच्छा बच्चा नहीं। उनचास वर्ष से गा रहा हूं, 8 साल से पहले जो इनाम का पैसा आता था उसको महाराजा सूर्यमल फाउंडेशन कंपनी में जमा किया करता था मैं। 8 साल से महाराज साहब की प्रेरणा से, विश्वेंद्र जी की प्रेरणा से, मेरे गांव में ठाकुर अहीर और जाट तीन जात ना है, नहीं सब जात है, क्योंकि मेवात क्षेत्र में रहता हूं। तो महाराज साहब की प्रेरणा से एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण चल रहा है। अच्छा भैया 18,500 रुपए में मेरी पार्टी का गुजारा करता हूं, ऊपर का जो पैसा मुझे मिलता है वो सब आपके सहयोग से मंदिर ही देशवासियों का पैसा लग रहा है। अभिनंदन है मेरी लाडली सरदारी का, फिर भी निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो 150 रुपये 500 रुपये से सम्मान करते हैं वो आपका बड़प्पन है, बाकी भगवान के मंदिर के लिए दिया जाए जो इजाजत से ठीका। अच्छा आपके लिए नाई नाव भैया, तो नाई तो पैसा जब लियो करें जब हुक्का भरो करें। अच्छा ठीक है ठीक है, काम कर अपना काम कर। और मेरी लाडली सरदारी ये सब मजाक की बातें हैं, वैसे कायदा की बात भी है, और आपके आशीर्वाद से भमर ताल का ढोला प्रारंभ होता क्या क्या होता है। ये है राम नाम की झोपड़ी और पापिन के सब गाम, आग लगे वा गाम में जहां नहीं राम को नाम। जा मोहते राम जी को नाम ना लियो जाए, या गांव में राम जी को नाम ना हो मैं भले ही ते आग लग जाए। अरे राम को नाम तजो रावण ने, लंका जल गई 10 कंधर की, बाणासुर ने राम को नाम तजो तो कटवाई दई मोछ मच्छंदर की, पार्वती गई जल भरने को बिगड़ी नीत समंदर की, और नारद ने राम को नाम तजो तो सिकल बनाई दई बंदर की। पर भमर ताल का ढोला सुनने के लिए मेरी लाडली सरदारी से निवेदन है, 1 मिनट मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या सब जानते हैं, रानी मंजा को देश निकाला दिया, वन में राजा नल पैदा हुआ, शेरनी ने दूध पिवाया, देवी मैया ने नार काटो, बनियान के घर रही 20 बरस के ने दानो मारो, दाने की बेटी गजमोथनी ब्याह के लायो, फेरा जब पड़े जब वचन दिए
के फेंटा खटारी ते नरवर बारे चाहे सौ सौ ब्याह कर लियो पर सिर पे मोहर बांध मत जाइयो। ये वचन थे पर महादेव और पार्वती ने हंस हंसनी का अवतार लिया। भीम राजा की बेटी दुमहती के लगन टीका चढ़ा गए। देवतान की बरात गई, राजा नल से लड़ाई हुई और दुमहती ब्याह के ले आयो। याई पीरियड में गज मोतनी छज्जे पे तक गिर के मरी गई। पर मरती मरती न्यो कह गई, क्या के जा राजा नल, तेने तो तेरे वचन फेल कर दिए पर मैं मरी मराए भी तेरो संग दूंगी, विपत पड़े पे वो याद कर तो रही जरूर। मैं इसलिए गई गांव सिंसिनवारन को, गांव में नोहबारी ना व्यापी कौरे को, गांव में बैयर ही ना है। अबे लग हरी राम को ढोला बिना बैयरन के हुए करे कहीं। अबे लग रही राम राम राम, 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 राम। नोहबारी ना हो तो सिंसिनवार आधे से तू वाले डोले गुजरात में। धन्यवाद धन्यवाद में तो नोहबार को बहुत धन्यवाद दो, नोहबारी भी जाऊं जो। ये बात मैंने क्यों कही है कि इसी ढोला में ये सारी बात काम आएंगी। तो बात ये हो गई लोगों, क्या जब दुमहती ब्याह लायो इंद्रदेव को पराजय कर दिया तो इंद्रदेव ने बारह बरस को शनिश्चर राजा नल पे बैठाई दे, बारह बरस की औखा डाल दी। अच्छा, हाथी घोड़ान के सुवर बना दिए, हीरा मोतिन के खान खजाने कांकर पत्थर कर दिए और बाबा के छोरा पुष्कर ने चौपड़ सार में जीत के राजा नल को सबरो राज ले लियो। अब तो राजा नल और दुमहती रानी एक पुराना सा महल बता दियो या मैं रह करो। सात दिन हो गए अन्न नहीं मिला। क्या ऐसा हुआ? कहा है भगवान सिंह गुरु ने, क्या के एक दिन फल फूल के बोझल बाग भये, बाग बगीचे घूमती कर सोले, बाग बगीचे घूम रही कर सोले सिंगार, पर दिन में ते निकरत नाही वाकु नहीं मिलो सियरो चून उधार, उधार चून नहीं मिला। ये स्थिति आ गई। सात दिन और सात रात हो गए, अन्न का कण पेट में नहीं गया। और तुम सब जानते हो क्या, यह शरीर चलावे वारो अन्न देवता है। बिल्कुल, अन्न से ही चलता है। और मर्द बैयर अपने मन दुख की बात कब बतराव करें? रात में, रात में। सातवें दिन की रात में रानी दुमहती ने नल के पाम पकड़ लिए और हाथ जोड़ के कहा, बोली क्या बोली, लाडली सरदारी यहीं से ये ढोला प्रारंभ होता है। महाराज भावी सरपंच प्रत्याशी है तू, माननीय मोहन सिंह जी पहलू वाले, उनकी तरफ से 31,000 रुपए। अरे भैया के लिए और 500 रुपए हमारे गायक कलाकार
भगवान को मंदिर है यहां मुकाबले की बात मत करो, ये तो औजू होता रहेगा जैसे होगो कछु। मेरे लाडली सरदारी, आपसे भी निवेदन करूं, मैंने कहा तेरे, मैंने तो कही डटी 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 डटी, तो मेरे तो सबरो जुआसी खत्म है को, ये लेने पूरी हो जाती हो करो, बुढ़ापे को जुआसी एक दिन खत्म है या जो 15 दिन जाए। आशीर्वाद चाहूंगा सरदारी को, दोबारा से उसी बात को ला रहा हूं। रानी दुमेती कहा बोली, क्या बोली, पाव पकड़ लिए अपने पति के, कह रही दुमहती रानी, मंदो मंदो सो ढरक रहो पानी, इधर से इन बालक ने हटाओ, इतको आ जाओ, इतको आ जाओ, काई को हल्ला कर रहे तुम, जाटन में तो इतने बुरे पैदा ना हो गए पर बुजुर्ग बुरे। दुमहती रानी, मंदो मंदो ढरक गयो पानी, हे महाराज हाथ जोड़ के कहूं एक बात मान ले, क्या, और अच्छी बात, पति पत्नी का जोड़ा होता है, अच्छी बात अगर पत्नी कहे तो पति को माननी चाहिए, और पति कोई अच्छी बात कहे तो पत्नी को भी माननी चाहिए जरूर। तो आज बहुत अच्छी बात कह रही है दुमेती रानी, क्या बात है बड़े, क्या तेरे ये छोड़ चले या कढ़े नार बर को, अरे छोड़ नार बर को या कढ़े नार बर को, महाराज नरवरगढ़ छोड़नो पड़ेगो, हे छोड़ चलो गढ़ नरवर को, नरवर में परेगी नाहे पार, नरवार को नरवार में पड़ेगी नाए पार की, नरवार को जाने तो पड़ेगी नाए पार। कह रही दुमहती रानी, मंदो मंदो ढरक गयो पानी, तेरी छूटेगी रजधानी, इंद्र देवता कर रहे ये मनमानी, करवन की गत काहू न जानी, और क्या ए, अब नरवर में ना होएगो गुजारो, दिया सुन ले वचन हमारो, हरि ने कयो भलो नरवर छोड़ चलो चल अंथा, तेरो है जाए कर्म सयो, बात मान लई नट नागिन की, सुनियो सब सिरदाई, पंचो बात मान लई वादवयंती की, मेरी सुनियो सब सिरदाई, आधी रात महल ते चल दियो राजा छत्तर राजा। अच्छी बात कह
यही रानी ने नरवर में ना होए गो गुजारो, शनिश्चर पीछे पड़ गयो। और इंद्र देवता का शनिश्चर को ये ऐलान है, ये हुक्म है, क्या ये आदेश है कि 12 वर्ष की औखा डाल दे राजा नल पे, 12 वर्ष पति पत्नी एक जगह रहेंगे, पर शनिश्चर देवता क्या 12 वर्ष तक इनको अन्न ना मिल जाए, अन्न का भोजन नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी एक बात और कह दी बड़ी कड़वी है, क्या कि 12 वर्ष तक पति पत्नी एक जगह रहेंगे साथ साथ, पर 12 वर्ष तक पति पत्नी का संबंध ना हो जाए। इस बात को लेकर के शनिश्चर राजा नल की राशि पे बैठ गए। जय हो। अच्छी बात कही रानी ने, क्या नरभर छोड़ के चले चलो महाराज, कई अंठाई गुजारो करेंगे। पत्नी की अच्छी बात को मानकर आधी रात के 2 बजे राजा नल और दुमहती रानी पुरानी सी हवेली में से निकल के बस्ती माता के नरवरगढ़ के बाहर आ गए। मारे प्यारी लाडली सिरदारी, बड़े बड़े जो गढ़ होते इनके 4 दरवाजे होते, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर का दरवाजा सिरमौर होता है, उत्तर के दरवाजे पे खड़े हो गए राजा नल दुमहती रानी। राजा नल ने कहा रानी क्या? सत को राज करो या नरवर राजधानी की गद्दी पे बैठ के आज इस नरवर को छोड़ के जा रहा हूँ। हाथ जोड़ के बस्ती माता को प्रणाम कर लेते हैं, बस्ती माता को राम राम कर ले। कैसे? अच्छी बात है, उसे उती को बैठे लिखवे बारे तो ज्यादा बढ़िया बात है। तो हाथ जोड़ के राजा नल बस्ती नरवर बस खेड़े को प्रणाम कर रहा, क्या बात है बड़े, और कह दिया क्या कही, चलो नरवर खेड़े बसियो। नरवरगढ़ को प्रणाम कर रहे हो राजन, हे सुबस बसियो, सुबस बसियो मेरे नरवा रखे हो मेरे नरवा रखे रे, और तो में है जइयो भूत घने रे। बोलते भी ऐसे अच्छे राजा तो मैं पैदा हूं और क्या, ए, मैंने तो में राज किए बहुते रे, अब भाग पलटी गए मेरे, मैंने तुम्हें राजे करे बहुते, अब भाग पलटी गए मेरे, हो भाग पलटी गए मेरे। ये मेरी नरवर बस्ती सदा झूल झूल के बसियो, उसे भी अच्छे अच्छे राजा पैदा हो जाइयो, ये समय की विडंबना है। पर एक बात कह रही, अब नल खेटी नते परवीन, पंचो नल खेटी नते परवीन, जैसे शीश झुकायो हुआ नल राजा ने नरवर खेड़े को, एक नब गए काले रैया जैसे राजा नल ने अपनी बस्ती माता को सिर झुकाया प्रणाम किया, ऐसा नल पुराण कहता है। भगवान सिंह गुरु ने सिखाया
कि दरवाजे के जो टोड़े लग रहे थे पत्थर के, वो तीन टोड़े नीचे को झुक गए। जय हो। मेरी लाडली सरदारी कैसे व्यक्ति थे वो, कैसे आदमी थे वो, कैसे महान पुरुष थे वो, जिनको पत्थर भी प्रणाम करते हैं। मेरे देश का इतिहास कहता है, मेरे देश में पांच व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनको पत्थरों ने भी प्रणाम किया है। कौन कौन? पांच। क्या है, कौन है? सबसे पहले श्रीमद् भागवत में लेख आता है कि पुण्य राजा नलो, सबसे पुण्यवान बताया राजा नल को, पुण्य राजा नलो, पुण्य राजा हरिश्चंद, हरिश्चंद राजा भी जिसको पत्थर प्रणाम करते थे। तीसरा है पुण्य राजा जनार्दन अर्जुन, और पुण्य राजा युधिष्ठिरम, और पांचवा बताया महाराज सूरजमल को। हमारा देश का इतिहास कहता है हमारे देश में महाराजा सूरजमल वो कोई मनुष्य रूप में पैदा नहीं हुए, वो तो ऐसे वीर पुरुष थे, ऐसे देवता लोग थे जिनको पत्थरों ने भी प्रणाम किया। बाकी बात को आगे बताऊंगा, आप तो सब जानते हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं। एक ब्राह्मण की बेटी की लाज लज्जा के कारण महाराज सूरजमल ने जो किया, और वीर जवाहर ने दिल्ली का विनाश किया। लेकिन यह ब्राह्मण भी बैठे होंगे, बुरो मत मान जाइयो, ब्राह्मण ने कबाड़ो कर दियो, महाराज जवाहर दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठने दिए। पर मैं तो ना कहूं काई की बात है, भैया जैसे होएगी जैसे होएगी, पर ऐसा बुरो मत करे करो कोई ब्राह्मण सुन रो हुए तो। का मतलब काई की कहे, तीन पत्थर के टोड़े तीन कांगरों ने शीश झुकाया, और आज राजा नल नरबरगढ़ को छोड़ करके 2 बजे रात के चलते थे। क्या बता के रो बजा दे, क्या हुआ? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, और जाही बीत राखे राम ताही भी धरिए, ताही भी राखे राम ताही भी रहिए, ताही भी राखे राम ताही भी रहिए, ताही भी रहिए। अरे एक बात सोचिए, इधर को हमारी मैया बहन बेटियां बैठी हैं, जा रानी ने कभी पलंग से नीचे पाव ना धरो, रात में कांटेने में होके जा रही है। और का नरबरगढ़ गयो छूटो रानी के छूटे सालत साले, ये नरबरगढ़ गयो छूट नार के छूटे सालत साले, और कांटे चुभन लगे पावन में मोटे मोटे चाले, फूट पड़ गई सब कुणवा में, सारे परिवार में फूट पड़ गई, फूट पड़ गई सब कुणवा में, पड़ गई है कुटुंब में फाटे, अर्जुन दामन में लगे महावर उनमें लगी गई कांटे, उनमें लगी गई कांटे, उनमें लगी गई कांटे, अर्जुन दामन में लगी महावर उनमें लगी गई कांटे, 12 बरस कटेंगे कैसे, 12 बरस कटेंगे कैसे, ये चिंता छाई गई मन में, जो 12 बरस कटेंगे कैसे, चिंता छाई गई मन में, और 4:30 बजे दो प्राणी पहुंचे निर्जन वन में, पहुंचे निर्जन वन में साले, पहुंचे निर्जन वन में, ओ 4:30 बजे दो प्राणी पहुंच गए एक वन में। ऐसे भगवान का नाम लेते 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 एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। क्या बियाबान जंगल में? हाँ, पर जा भगवान को नाम लियो जाए ना, जहां
जहां राम नाम के हीरा मोती बिखरते हैं। ये बड़ी बूढ़ी सरदारी बैठी है, बड़े बूढ़े ने तो निवेदन है, अब तो ले लियो करो, अब तो ले लियो करो, रिटायर है। बड़ी बूढ़ी हो ये तो खूब तम इनके थोड़ा थोड़ा सहारो दे दियो करो इनको, जतने भी लग जाए। ना ना पियो पियो पियो, भगवान के सहारे से 4:30 बजे दिन को निकाल रहे हो, भक भको सो है गयो, बियाबान जंगल में पहुंच गए, पर एक बात का ध्यान करें मेरे लाडले लोग, आज 8 दिन हो गए। अच्छा, पेट में अन्न नहीं गया, सनिश्चर पीछे पीछे जाए रोए, इनको चैन से नहीं रहने दूंगा। एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, सूर्य भगवान की किरण निकल रही है, भगवान सूर्य नारायण ने अपने किरणों का प्रसार भारत देश की धरती पे किया, और जब सूरज की किरण निकली, धूप खिली, तो दुमैती रानी ने पेट पे हाथ फेरो, लगी महाराज क्या 8 दिन हो गए, अन्न खाए, अन्न ही नाचे, अन्न ही कूदे, अन्न लड़े गढ़ कोटन ते, अन्न ही नाचे, अन्न ही कूदे, अन्न लड़े गढ़ कोटन ते, और बात पीछे सूझेंगी, पहले पेट भरेगो रोटी पे, ना देखो कछु राम नाम में, ना देखो कछु पोथी में, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो कछु देखो सो रोटी में, रोटी में अन्न की महिमा बहुत बड़ी है। और ये बैठे हमारे दादा, ये बड़े बूढ़े, इनने बड़े बड़े कबाड़े करे, फागण के महीना में बम्ब बजाओ करे ना, नमंग बम फोड़ दें, बम्ब बजाओ करे, जो बड़े बूढ़े गाओ करे, रसिया बिन नींद ना आवे, रसिया बिन नींद न आवे, रसिया बिन नींद न आवे, जब रसिया पड़ जाए पेट में तो 100-100 रंग दिखावे, रसिया बिन नींद न आवे, रसिया बिन नींद न आवे, रसिया बिन नींद न आवे, रसिया बिन नींद न आवे। कौन है रसिया? रसिया, हाँ रसिया वही है जामे तो रस निकले, रस काय मत निकले, अन्न में थे। अच्छा, अन्न से ज्यादा रस देने वाली कोई वस्तु नहीं है संसार में, सबसे ज्यादा रस देता है अन्न। सवा मन नाज खा लिए जब 100 बूंद रस निकले, सही है, जिसको खून कहते हैं, तो महाराज रसिया बिन नींद ना आवे, और जब रसिया पड़ जाए पेट में फिर 100-100 रंग दिखावे, सही है। शनिश्चर ने सोचा क्या अब रानी दुमैती का मन विचलित तो हो रहा है, इसलिए अब मोखा लगाना चाहिए। तो तुम सब जानते हो भगवान राम जानकी पंचवटी पे बैठे थे तो मारीच सोने का मृग बन के आया, ऐसे ही शनिश्चर ने अपनी माया से 30-40 तीतर सोने की पंखे जिनके, और 30-40 थे तो राजा रानी इनके आसपास अगल बगल कोई चुगने लगे, पंख काई की है सोने की, सोना, और वहां कौन है रानी, दोनों का वर्ग एक हो गया, माया माया घुस रही है, सोना कंचन माया और नारी माया, माया 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 का जब विलोम हुआ, तो जब माया को माया दिखती है, देखो जानकी जी को ध्यान हर वक्त राम जी के चरणन में रह कर रहे हो, पर सोने को मृग देखो तो जानकी जी को मन माया में चलोगे, कंचन में सोने में, राम जी से ध्यान हटगो और माया में चलोगे, और जब आदमी को ध्यान भगवान से हटके माया में चलो जाए वो तो मरेगो साहब, गिरेगो पोखर में, और जानकी जी को मन चलोगे सोने के मृग पे माया में चलोगे, हरण है को देख लो लठबाजी को, लंका में कितने आदमी मर गए। यहां रानी दुमैती ने तीतर जब देखे, तीतरन की पंख है सोने की, तो माया में माया विलीन हो गई, और बुद्धि बदल दी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और रानी ने न्यू कह दी महाराज क्या 8 दिनों
विधना ने कैसो दिना दिखायो। नल बोला कोई बात नहीं रानी, काया को कमला रही रानी तेरी काया, ढलती फिरती रहे वृक्ष की छाया। पेड़ की छाया है, समय है, इधर है इधर है इधर है, ये चलती फिरती बात है, इसका सोच नहीं करना चाहिए। दुमेती बोली महाराज मेरे मन में ये आ रही है, क्या सूखी सूखी लकड़ियां भेरी करूं थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ियां भेरी करूं और लकड़ी में लकड़ी को घिस्सा दे के आग जलाऊं। सही है, घिस्सा थे और चार घिस्सा थे आग जला, लकड़ियां घिस्सा बढ़ जाए। हम तेरी मम्मी पूछे, मम्मी ने घबराई और चार तीतर पकड़ के अपन तो राजा लोग हैं, मांसाहारी हैं, नास्तिक हो जाएं आज से। चार तीतर पकड़ के आंच में बूंद ले, दो तीतर तू खा लो, दो तीतर मैं खा लूं। नल ने कही अच्छा चक्रव्यूह, रानी हल्की सी विपता पड़ने से इतनी नीचे गिर गई हो कि हम मांस खा के प्राण बचे। बड़ी अच्छी बात कह दी मेरी लाडली सरदारी, सुने क्या कही, क्या बताया है गुरु भगवान सिंह जाट ने। हो हर जिन बातों को तुम कहती हो रानी, हो बातों को तुम कहती हो रानी, तुहें आवे शर्म नहीं है। राजा नल रानी दुमयंती को समझा रहा है। अगली लाइन गाओ अगर अच्छी लगे, आपके भाई हरिराम की बात अच्छी लगे है तो राजा नल सत्यवादी के लिए ताली बजाना, अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं। क्या हो जिन बातों को कहती रानी, तो है आवे शर्म नहीं है। अरे जीव का मांस खा के पेट भरे छत्री का धर्म नहीं है, छत्री धर्म नहीं है। ये कोई रानी धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है प्यारी, ये कोई धर्म नहीं है। जीव मार के पेट भरे है, ये कोई धर्म नहीं है। मेरे लाडले बंधु, मेरी मैया बहन बेटी, एक बात जरूर कहूंगा, 50वीं साल चल रही है गाते हुए, बड़े बड़े अंट संट भी बहुत गाए जब हम जुआने, लेकिन मेरी जाट सरदारी ने हरी राम का अंट संट गाना छुड़ा करके इसको सही लेन पे लाने वाले की श्रेय मिलता है मेरी जाट सरदारी को, क्योंकि जाट लोग तो अंट संट बात सुनना ही पसंद नहीं करते। इस बात के लिए मैंने अपने सौभाग्य समझा। फिर दूसरी बात, याय मत समझियो इसिन सिनवारन को गांव में जाते कह रो, मेरा जो रिकॉर्ड है, जो मेरा संगीत का रिकॉर्ड है, जब राष्ट्रपति से अवार्ड हुआ, महाराज जब विश्वंदर अपनी गाड़ी में ले गए थे, तो मैंने पर्चा जब भरो फार्म, उसमें लिखा हरिराम गुजर गांव अलाड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान। महाराज साहब को बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी पे बिठाए रखो,
वन की का लिखो परचम मुझे दिखा, मैंने कि ये लिखो हमारा सा फाड़ दियो। अरे वाला साहब परचय मोते बोलो गधा, ऐसे मत लिखे न्यू लिख हरी राम गुजर सिनसिनवार लोहागढ़ राजस्थान। और मेरा पूरा डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार में यही है, तो मैं अपने भैया के घर में गा रहा हूं तो अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। वैसे धर्मपाल जी साबोरा वालों की तरफ से 100 मुद्राओं का पुरस्कार मिला है, अभिनंदन है। बात तो यह है लोगों, आपकी बात को वही लाता हूं, चार बात और कहता हूं, जरा गौर से सुनेंगे। क्या राजा नल ने समझाया, गौ हत्या का पाप लगे, हो रे 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 हो रे 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 हो रे 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 ऐसे उन लोगों को गौ हत्या का पाप लगे, जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का। रानी सात जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का, सारा कुणबा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का, खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का, खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। एक बात और कहूं, गरीब आदमी के दिल पे लोगों चोट लगाना ठीक नहीं, गरीब आदमी के दिल पे पंचो चोट लगाना ठीक नहीं, निरअपराध के जान पूछ के खोट लगाना ठीक नहीं, चोर जुआरी रंडी के घर लोट लगाना ठीक नहीं, दूध कटोरा छोड़ शराब के होट लगाना ठीक नहीं, दूध कटोरा छोड़ शराब के होट लगाना ठीक नहीं, दूध कटोरा छोड़ शराब के होट लगाना ठीक नहीं। और देखिए हमारे चैनल व्यवस्था पक भैया बैठे हैं, धन्यवाद करता हूं। ये जो कैमरा चल रहा है देहवा गांव के श्री राम मंदिर के, इस प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाएगा, अभिनंदन करते हैं। नोट करें, राष्ट्रीय संगीतज्ञ हरिराम गुजर अपने प्रोग्राम में समाज सुधार की बात करता है, नशा मुक्ति की बात करता है, मेरे देश में शराब ना रहे, इस बात पे मैं जोर दिया करता हूं। इधर को बैठी हुई मेरी महिला मंडल, मेरी बहन बेटियां माताएं, आपसे निवेदन करते हैं, आप ही अपनी मर्यादा से विपरीत ना जाएं। जब तक हमारे देश में मेरी नारी मर्यादा सामकूल है तब तक मेरा भारत देश सुरक्षित है, और नारी मर्यादा विपरीत हो जाएगी, तुम अपने धर्म से विपरीत हो जाओगी तो मेरे भारत देश का पतन होने लग जाएगा। अगली बात कहता हूं, ये चुर्री गुटकी, चुर्री गुटकी अटरम सटरम ये नशेबाजी, अरे हुक्का पियो अच्छे लगे और हुक्का चल रहा हो कैसी सरदारी अच्छी लगती है। बस हरिराम गुजर निवेदन करता है, और मेरी ये बेटियां बैठी हैं, मेरी सभी बेटियों से निवेदन है, ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हारा कोई शरीर न दिखे। ये हमारी बेटियों का हाथ जोड़ के हरिराम गुजर निवेदन करता है, सही है। हमारी देश की कोई बेटी ऐसा कपड़ा कभी ना पहरे मच्छरदानी को। आज टेलीविजन पे देख लो,
सब हीरोइन मच्छरदानी पहन के आ रही है। ऐसी की ऐसी जैसी हुई मैया पेट में, ये को मच्छर ना घुसे। अरे राम राम बेटियों, गले तक के बटन लगाओ, पूरी बहा का कपड़ा पहनो, और मेरी बेटियों एक दिन वो था क्या, विदेशी लोग मेरे भारत की बेटी को दुल्हन के रूप में देखने के लिए आते थे। आज आज हमारे देश की बेटियों का एक बीमारी और नहीं चली है, गामन में तो ना आई, पर शहरन में देख लो सभी क्वारी लड़कियां वोट रचा के मिलेंगी। जरूर नजर डाल लेना, क्यों सरकार ने फ्री में दियो लाल रंग, दे दे तुम भी लगाओ, मम्मी के भी लगाओ, और मैं तो नुकहूं कोई ना दिखे तो पापा के भी लगा दियो करो, लाल लाल रहो सब घर के। तो मेरे चैनल डायरेक्टर जी बैठे हैं यहाँ बसदेहवा गांव के भगवान राम मंदिर के प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान में छोड़ा जाए, आपका अभिनंदन करते हैं, लाडली सरदारी का अभिनंदन करते हैं। और देखिए अगली बात कहूंगा, मन का मैल अगर ना धोया क्या फायदा गंगा नहाने से, मन का मैल अगर ना धोया क्या फायदा गंगा नहाने से, मन का मैल नहीं धोया क्या फायदा गंगा नहाने से। जब जब हमने अपने अंदर का पाप नहीं धोया, मन का विकार नहीं धोया, तो गंगा में नहाए थे कोई फायदा ना है, कोई फायदा ना है, हाड़न ने भिजवाए थे। अरे मन का मैल अगर ना धोया क्या फायदा गंगा नहाने से, हरिद्वार हर की पेड़ी व गोवर्धन के जाने से, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों मांस मदिरा खाने से, जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम राम गुण गाने से, जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से, जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। और मेरे भाई बहनों, आपके ध्यान को लौटा करके ला रहा हूँ उसी जगह राजा नल क्या कह रहा है, जिन बातों को कहती हो रानी आती शर्म नहीं से, और मांस खा के पेट भरे क्षत्रिय का धर्म नहीं से, मांस खा के पेट भरे क्षत्रिय का धर्म नहीं से, मांस खा के पेट भरे क्षत्रिय का धर्म नहीं से। इन बातों को राजा नल ने रानी दुमेती को समझाया, लेकिन राजा की बात को असर नहीं पड़ो, प्रभाव नहीं हुआ ना। अब देखो क्या होता है, राजा नल ने कही रानी ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरा संध्या का समय हो रहा है, मैं तो संध्या करने के लिए जा रहा हूं, आराम से बैठ जाओ, चुपचाप ऐसी बात मत करियो। राजा नल वन में संध्या के लिए चले गए, लेकिन रानी दुमेती क्या करती है, क्या अगली कड़ी में बताऊंगा, उससे पहले हमारे दानदाता सहगियों के नाम हमारे भैया जी बोलेंगे, और उसके बाद आपको एक भगवान कृष्ण के गीत पर हम अपने नाचने वाली कलाकार को 4 मिनट के लिए आपके बीच में आएंगे। हरिराम गुजर अंट संट गाता नहीं, मेरे नाचने वाली कलाकार अंट संट नाचती नहीं, हमारा सब साधारण काम होता है जो हमारी संस्कृति के मुताबिक है। बोलिए, दिल्ली से हुक्का लिया पैसे दिए मुट्ठी भर, दिल्ली से हुक्का लिया पैसे दिए मुट्ठी भर, जमुना जी में ठंडा किया ने और नेचा तर्रम तर्रम, दिल्ली से हुक्का लिया पैसे दिए मुट्ठी भर, जमुना जी में ठंडा किया ने और नेचा तर्रम तर्रम, अलवर से फिर लई तमाकू देसी, अलवर से फिर लई तमाकू, धुआं निकसी लीला गिर चिलम चतुर ने नारायण, भगवान को रूप है जो भी तो बोले पंच परमात्मा, चिलम चतुर ने नारायण हुक्का हर की काये, और पांच पंच जुड़ मिल के पी में जैसे पुष्कर जी में नहाए। एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े प्रेम से भगवान के लिए जय बोलेंगे, हमारी बेटियां मैया बहन सब हाथ उठा के बोलो, बोलियो श्री सीताराम जी भगवान की जय। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, अगली कड़ी में देखते हैं भैया जी क्या बात है।